और आप जिस तरीके से उद्योगपति वो रहे, बड़े दिल के उद्योगपति रहे, जिस समय ताज होटल्स के ऊपर अटैक हुआ मुंबई में, उसके बाद भी रेनोवेशन जब उस होटल का हुआ तब किसी की भी तनख्वाह नहीं काटी गई। तो ये देखिए, ये एक उनका पेट डॉग है गोवा, जो यहाँ पर इस समय है। और मैं आपको बता दूं कि मुंबई में उन्होंने पेट डॉग्स के लिए एक पूरा अस्पताल खोला हुआ है। रतन टाटा को अपने डॉग्स से बहुत लगाव था। उनका डॉग गोवा आज उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा, जिसका एक वीडियो अब सामने आया है, जब रतन टाटा के पार्थिव शरीर के पास उनका पेट डॉग बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और जानवरों के उपचार के लिए, ख़ासतौर पर डॉग्स के उपचार के लिए एक बहुत हाईटेक अस्पताल बनाया गया है मुंबई में, और वो टाटा ग्रुप के द्वारा ही बनाया गया। और रतन टाटा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। रतन टाटा वो नाम जिनको आज भी याद किया जाता है, और ख़ासतौर पर उनके साथ काम करने वाले लोग उन्हें एक अलग ही नज़र से याद कर रहे हैं। जिस समय ताज होटल के ऊपर अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद जब उसका रेनोवेशन हुआ था, किसी भी एक छोटे से छोटे व्यक्ति की भी नौकरी नहीं गई थी, तनख्वाह सबको पूरी दी गई थी। और ये उदाहरण दिया जाता है, मैं कभी भी ताज के होटल्स में जाती हूँ, उनके साथ काम करने वाले लोगों का, कि बुरे से बुरे कोविड के समय भी उन्होंने कभी किसी की मदद से इनकार नहीं किया। अब देखिए, मैं तो सिर्फ जो इंडस्ट्री में उन्होंने किया है वो काफी आपने सुन भी लिया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे और काफी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन जो आदमी जो मैं जानता था, उनको मैंने मिला था, उनके दोनों पाव जमीन पे रहते थे, हमेशा यू में हम्बल रहते थे। क्योंकि मैं एक बार गोल्डन ड्रैगन ताज में लंच कर रहा था, मेरे ख्याल नरेश कुमार के साथ वो लंच के लिए आए हुए थे। नरेश कुमार वो टेनिस प्लेयर है, वो अब जिंदा नहीं रहे, लेकिन मैं उदाहरण दूंगा कि उन्होंने मुझे देखा तो वो मेरे टेबल पे आ गए। उन्होंने कहा तुम मेरे टेबल पे आ जाओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना, जो लर्न करना है। उन्होंने इमीडिएटली, मैं गया था, मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई किस बारे में उन्होंने बात की थी, बट हमारे टेबल पे आके उन्होंने बुलाया था। तो जो आदमी थे, और वो जितने डॉग्स के बारे में आप कह रहे हैं ना, अगर उनके ऑफिस में चले गए तो मैं जब ऑफिस में मिलता था उनसे, तो एक कमरा उन्होंने रास्ते वाला कुत्तों के लिए रखा हुआ था। वो लंच टाइम पे आते थे, लंच पे खाते थे अपने, वो डॉग्स खाते थे, एक कमरा उन्होंने रखा हुआ था स्पेशल। तो मैंने कहा पता नहीं कि किस तरह के रिलेशनशिप उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स के साथ तो उन्होंने किया था, लेकिन किस तरह डॉग्स के साथ किया था पता नहीं। वो लंच टाइम पे रास्ते से ऊपर आता था। बिल्कुल, अभी मैंने अपने दर्शकों को यही बताया कि पेट डॉग्स के लिए एक स्पेशलाइज हॉस्पिटल टाटा ग्रुप ने बनाया, और ये सिर्फ रतन टाटा का ही इनिशिएटिव था। Zee News।